विदिशा जिले के पठारी में कुरवई विधायक और जनपद अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत जाजपोन में 38 लाख रुपए की लागत से बनाई गई गौशाला का लोकार्पण किया, जिसमें प्रदेश एवं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मंगलवार को कुरवाई विधायक हरिसिंह सप्रे और जनपद अध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी ने गौशाला का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत जाजपोन में 38 लाख रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण किया गया है। विधायक हरिसिंह सप्रे ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम जाजपोन में विद्युत संकट होने के कारण एक नवीन विद्युत ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, जिससे ग्राम की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त होगी। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। उद्घाटन समारोह में पधारे हमारे जनपद के यशस्वी अध्यक्ष तिवारी जी, हमारे पठारी लगभग सबसे बड़ी पंचायत है मेरे हिसाब से विधानसभा कुरवाई की, सरपंच साहब देवेंद्र गड़ी, हमारे वरिष्ठ नेता राकेश सिंघाई जी और हमारे सागर से पधारे नए भैया जैन साहब, बल्ला सेठ जी बड़े भैया अन्ना, सबके नंबर तुम चार योजना है थी, 166 योजना है मुख्यमंत्री जी की। वास्तव में महाराज आपने सब बताया था गौशाला के मामले में, वास्तव में कल का दृश्य महाराज, मैं खुद कुलियों में से निकल के गाँव तो 250 रुपया तो लगता नहीं है कि अगरबत्ती लगा दे के, वो कल युग के राजा है। आज मैं जो कुछ हूँ केवल टेढ़ी टांग वाले की देन है कि मैं जाऊँ निपली बना तो उससे खराब शराब किसी की नहीं हो सकती। अभी गौशाला बन गई, आज उद्घाटन हो गया, एक समिति बनाई गई हुई, क्या भाई समिति बन गई, वो समिति गौशाला की देखरेख करेगी, लेकिन उस गौ समिति पे अधिकार कुछ नहीं है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो सरकार देती है वो उसमें अकेला खर्च होता है, हम जन भागीदारी से उस गौशाला के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो गर्मियों में हम कुछ भूसा जन भागीदारी किसानों में डलवा लें तो हमको नहीं कर रहे, हम अभी बहुत सी ज्वार है ज्वार की कर भी डलवा लें तो हम उस गौ की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर आज गाय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।